ओके जी, मेरा नाम अफान है, फाउंडर ऑफ एक्यूवर्स, एंड टू गिव माय हम्बल कंट्रीब्यूशन टू माय सोसाइटी एंड टू माय पीपल, आई आल्सो वर्क एज अ मेंटोर इन एक्यूवर्स। अच्छा, ये मुझे दो तीन टेक्स्ट आ रहे हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं है, तो काइंडली मुझे एक दफ़ा फिर बताइएगा, उसके बाद हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर मैक्सिमम लोगों का आवाज़ नहीं आ रही है तो शायद फिर मेरे एंड पर इशू है, अदरवाइज शायद आपके एंड पर कोई इशू है। तो काइंडली मुझे बताइए कि आवाज़ क्लियर है सबको। ओके जी, ओके ओके भाई। अगर मैं अपना अमेजोन जर्नी की बात करूं तो 2019 में सफर का आगाज हुआ, प्राइवेट लेबल से स्टार्ट किया, उसके बाद होलसेल स्टार्ट किया। प्राइवेट लेबल में ऐसी कामयाबी मिली नहीं, 7-8 महीने की मेहनत के बाद भी, तो फिर होलसेल में लेकर आए, हमारे एक मेंटोर थे वो हमें लेकर आए, और उसके बाद जो है फिर वो जो क्लाइंट वगैरह मिलना होता है, प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट की, फिर क्लाइंट हंटिंग की, तो क्लाइंट भी मिले। सो बेसिकली हमें जो कामयाबी मिली वो होलसेल में मिली, तो उसके बाद फिर हमने होलसेल को ही कंटिन्यू किया। अच्छा, ये जो हमारा इंट्रो लेक्चर होता है, इसका पर्पस ये होता है कि आप लोगों को बताया जाए एक्यूवर्स क्या है, क्यों बनाई गई है, ये फ्री इंटर्नशिप क्या है, किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल होगी, इसमें आपको फायदा क्या होने वाला है, किस तरीके से आप लोग इस चीज़ का फायदा उठा सकते हैं, और हम इसमें क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, बाकी सबसे डिफरेंट किस तरह, लाइक आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद प्राइवेट लेवल सीखा होगा, यूट्यूब से वीडियोज देखी होंगी, तो नॉलेज तो ऑलरेडी बहुत सारा मौजूद है, तो हम इसमें क्या ऐसा डिफरेंट करने वाले हैं कि आप लोगों को इंटर्नशिप करनी चाहिए, इंटर्नशिप क्यों करवाई जाती है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो 95% लोगों के माइंड में चीज आती है, जो हमसे वो पूछते भी हैं डायरेक्टली, कुछ लोग इनडायरेक्टली, कुछ लोग डायरेक्टली, कि आप लोग ये फ्री में करवा क्यों रहे हैं, इससे आपको क्या फायदा होगा। चलिए ठीक है, हम तो सीखेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे, वो तो आम बातें हैं, हमें तो फायदा है, आप लोगों को क्या फायदा है इस चीज से, तो हमें क्या फायदा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस इंटर्नशिप के अंदर होने क्या वाला है, हम इसमें क्या करने वाले हैं, एंड अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि ये डिफरेंट किस तरह होगी, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल क्या होगा इसमें। ठीक है, अच्छा, इसका अगर मैं आगाज इस तरह करूं कि पाकिस्तान में ना इस वक्त रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड जो इदारे हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, जो अमेजोन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो तकरीबन 1,25,000 है। ठीक है, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1,25,000 इदारे ऐसे हैं जो अमेजोन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट सिटीज़ में आप शायद 4-5 को जानते होंगे, बड़े बड़े जो नाम है शायद आप उनको जानते होंगे, लेकिन हकीकत ये है, और आप लोग भी शायद चीज़ ऑब्जर्व करते होंगे, कि हर गली हर मोहल्ले में आज अमेजोन का एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है, और वो सब कह रहे हैं कि जी आप हमारे पास आओ, हमसे सीखो, और उसके बाद आप हजारों डॉलर्स कमाना स्टार्ट कर दो। ये ख्वाब सबको दिखाया जाता है, सब इस ख्वाब के ऊपर यकीन भी रखते हैं, और फिर होता क्या है कि वो लोग अपना पैसा भी लगाते हैं, टाइम भी लगाते हैं, नया लैपटॉप बाय कर रहे हैं, टूल्स बाय कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, फिर जब वो 2 महीने का कोर्स कर लेते हैं, 2.5 महीने का कोर्स कर लेते हैं, जब वो फील्ड में आते हैं, फिर उनको पता चलता है कि वो जो ख्वाब दिखाए गए थे वो सिर्फ ख्वाब ही थे। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट मिलता नहीं है, कामयाबी होती नहीं है। ठीक है, अब इसकी रीज़न क्या है, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे नाकाम है, लेकिन आप कह सकते हैं कि 100 में शायद 90 बंदा नाकाम होता है, 10% जो लोग कामयाब होते हैं उन्हीं कहानी लगाई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, और बाकी सब लोग जो है वो उसी से इंस्पायर होकर कर रहे होते हैं। तो क्या अमेजोन की फील गलत है, आखिर गलती है कहाँ पर, किसकी गलती है? सबसे पहले तो यहाँ पर हम ये बात करें कि गलती किसकी है, कौन गलती कर रहा है। ठीक है, और क्या स्टूडेंट इसमें गलत कर रहे हैं, टीचर गलत कर रहे हैं, या अमेजोन ही कोई फ्रॉड है, अमेजोन ही कोई स्कैम है, आखिर है क्या चीज़? तो मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज है क्या एक्चुअली। देखें, होता ये है कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि अमेजोन फ्रॉड नहीं है। आपने जो भी इसके बारे में सुना है, अर्निंग के बारे में जो भी सुना है, वो बिल्कुल ठीक सुना है। ठीक है, हमेशा मोटिवेट करने के लिए मैं एक बात करता हूँ, और वही आपको आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि 2019 में मैंने स्टार्ट किया, 8-10 महीने की मेहनत के बाद, अगेन प्राइवेट लेवल में तो कुछ नहीं बना, लेकिन जो मेरा पहला क्लाइंट मिला था उसने जो मुझे पे किया था वो तकरीबन 74,000 था। ठीक है, एंड उसी टाइम पर मैंने एक जॉब के लिए भी अप्लाई किया था, और वो जॉब मुझे जो मैंने जब उनसे पूछा कि सैलरी आप मुझे कितनी देंगे, तो उनका जवाब था 25,000। ठीक है, 25,000, 9 to 5 आपकी जॉब होगी, पेट्रोल का एक्सपेंस, आपका खाना पीना, वो सारा भी हमारे जिम्मे था। ठीक है, उसी सैलरी में से यानी, और इन दिन उन्होंने कितने 25,000, और मुझे जो अमेजोन से पहले इनकम आई थी वो तकरीबन 74,000 बनी थी पाकिस्तानी रुपए में। ठीक है, तो आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कितना ह्यूज डिफरेंस है, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। शायद मैं 25,000 से अगर स्टार्ट करता तो मुझे 75,000 रुपये जाने में पता नहीं कितने साल लगते हैं, क्योंकि कंपनीज में जब आप जॉब कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, जिस तरह के हालात हैं, आपको तो कोई मौका मिलते ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हकीकत है कि अमेजोन में अर्निंग बहुत है, क्योंकि डॉलर्स में आप कमा रहे होते हैं, क्लाइंट आपको मिल गया, अच्छा प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो, और बहुत सारे तरीके होते हैं कमाने के, तो वो चीज़ आपको कहीं से कहीं ले जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कामयाबी और नाकामी की,
तो एक रेशो जो है ना वो इस तरह बनती है कि 100 में से 90 बंदा नाकाम हो जाता है, बल्कि आई वुड से कि 95% लोग नाकाम है और 5% कामयाब होते हैं, वो भी आगे जाकर। ठीक है, क्यों क्यों कामयाब होते हैं? क्योंकि उनको करवाया जाता है VA का कोर्स, ठीक है, और VA के कोर्स में क्या करवाया जाता है, बेसिकली प्राइवेट लेवल करवाया जाता है। ठीक है, अब नाकामी की वजह यहाँ से स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट लेवल कोई बुरी चीज है, लेकिन प्राइवेट लेवल के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो तमाम चीजें चाहिए होती हैं, फिर कहीं जाकर आप किसी अकाउंट पर काम कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है, आप उसके अकाउंट को रनिंग में ला सकते हैं। और जब तक वो चीजें आपके पास नहीं है तो कहाँ से करेंगे? और जब आप बिल्कुल एक न्यू भी होते हैं, आप बिल्कुल एक फ्रेश ही हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हैंड्स ऑन तो करवाया नहीं जाता, अकाउंट के ऊपर तो काम करवाया नहीं जाता, अकाउंट दिखाया भी नहीं जाता, ठीक है, क्या प्रैक्टिकल होता है क्या है। तो जब बंदा नया मार्केट में निकलता है, उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर वो कंसिस्टेंट रहता है, कंसिस्टेंसी उसके अंदर है, वो बेचारा मेहनत करता है दिन रात अपने एंड पर, रिसर्च करता है, मजीद रिसर्च करता है, फिर कहीं जाकर उसको पता चलता है कि अच्छा असल चीज़ जो है मॉडल, इसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए था, फिर कहीं जाकर वो चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, ठीक है, अगेन मार्केट में टाइम लगाने के बाद हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ा, हर तरह के हालात देखे, दिन रात मेहनत भी की, लोगों के साथ अटैच होने की कोशिश भी की, तो जिस तरह भी एक न्यू भी बंदा करता है, जो बंदा नया फील्ड में आता है, वो जिस तरीके का स्पोर्ट चाहता है, वो तमाम कोशिश कर रहा होता है, सब कुछ किया, और तब पता चला कि एक्चुअली जो टॉप का मॉडल है, जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, जिसको मैं प्रमोट भी करता हूँ, और मैं चाहता हूँ, देखें अगेन मैं आपको यहाँ पर एक कंपैरिजन दूं कि प्राइवेट लेवल में 100 में से 5 बंदा कामयाब है, ठीक है, होलसेल का मॉडल वो है जिसमें से 100 में से 90 बंदा कामयाब है, तो आप किसकी तरफ जाएंगे? मेरा एक सिंपल सवाल ये होता है, गलत प्राइवेट लेबल भी नहीं है, गलत होलसेल भी नहीं है, दोनों ठीक है, लेकिन कामयाबी के अगर रेशो देखें तो होलसेल प्लस आर्बिट्राज, क्योंकि दोनों तकरीबन साथ साथ होती हैं, इसमें कामयाबी के चांसेस 99% होता है अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट सेल करना बहुत आसान है, प्रोडक्ट हंटिंग करना बड़ा आसान होता है, ठीक है, वो तमाम स्ट्रेटेजीज होती हैं कि अगर आप प्रैक्टिकल, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, साथ साथ आप करते जा रहे हैं, तो ये कंपेरेटिवली प्राइवेट लेवल के और बाकी मॉडल्स के, बाकी जितने भी हमारे पास, चाहे वो शॉपिफाई हो गया, चाहे हमारे पास वो ईबे हो गया, उनसे कंपेरेटिवली बहुत बेटर होता है। ठीक है, तो ये अवेयरनेस देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज होता है ना, वो एक नए बंदे को बहुत आगे जाकर पता लगती है, ठीक है, बहुत आगे जाकर जब वो अच्छी तरह मार्केट में रुल जाता है, बेचारा मेहनत करता रहता है दिन रात करता है, अपने अपना वो पूरा, जब वो बेचारा अपना दिल छोड़ने वाला होता है ना, ठीक है, इसमें बेचारा मैं शायद कहीं ना कहीं अपने आपको भी कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी सब कुछ हुआ, मेरे जितने भी कॉलीग्स, जितने भी हम लोग थे उस बैच में, सबके साथ तकरीबन ये हुआ, और उसके बाद जब हमने बाकी सबको देखा, और आई गेस जहाँ पर जो लोग हैं इस टाइम पर, शायद वो भी इस चीज़ को रिलेट कर रहे हो, ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपकी डायरेक्शन जो है वो सही होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर डायरेक्शन आपको पता हो कि यार ये चीज़ है, मैंने इसको करना है जिसमें कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हैं, और उसके बाद जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है, उस काम को प्रैक्टिकली करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, जिन लोगों का प्राइवेट लेवल का, जिनका होलसेल, होलसेल का बैकग्राउंड है, थोड़ा बहुत अगर होलसेल किया है, तो हमारे 2 लेक्चर होते हैं बाय द वे होलसेल के, ठीक है, जिसमें बताया गया जी ये आपने ईमेल भेजनी होती है, ये टेम्पलेट होता है, ये आप ब्रांड को कर दो, डिस्प्ले कर दो और काम करना स्टार्ट कर दो, सिर्फ इतना बताया गया। अब आप खुद सोचें कि जब आपको इतना नॉलेज दिया जाएगा तो इससे आप कामयाबी का सोच सकते हैं? अमेजोन यार बिजनेस है वो एक, ठीक है, मतलब कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई वो पैसा बनाने वाली मशीन नहीं है, पूरा एक कारोबार है, जिसमें के साथ बात करना, ब्रांड को कॉल करना, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना, उनसे परचेजिंग करना, उनसे चीजें लेना, आखिरी चीज प्रैक्टिकल आप करेंगे तो आपको समझ में आएंगे ना। ठीक है, सिर्फ एक टेम्पलेट भेजने से, एक रटी रटाई ईमेल भेजने से तो कुछ भी नहीं होता, असल चीज तो होती है कॉलिंग, आपने उनको कॉल करनी है, ठीक है, कॉल करने का तरीका क्या होना चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, क्या उनसे पूछना है, क्या आपने उनसे डिमांड करनी है, वो आपसे क्या पूछेंगे, ठीक है, एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है कि हम आपको तमाम चीजें पहले से बता दें कि ये आपके साथ होने वाला है, आपने इसका जवाब ये देना है, इसका जवाब आपने ये देना है, इसका जवाब आपने ये देना है। इंटर्नशिप का पर्पस बेसिकली ये होता है कि जो आपने लिखा हुआ सिर्फ देखा है अब तक, वो आपको प्रैक्टिकल में करवा दिया जाए, जहां पर हमें ठोकर लगी थी, जहां हम गिरे थे, वहां पर हम आपको गिरने से बचा लें। ठीक है, इंटर्नशिप का पर्पस ये होता है, और जब आप इस चीज से गुजर जाते हैं, वो चीज आपका टाइम बचाती है। ठीक हो गया, वो इतना कि दो तरह के लोग होते हैं, एक लोग वो होते हैं कि जो खुद ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, फिर वो संभलना सीखते हैं, दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जो दूसरों को गिरता देख कर संभल जाते हैं, उनको पता होता है कि ये लोग इस वजह से गिरे थे तो हमने ये काम नहीं करना। ठीक है, तो इंटर्नशिप जो होते हैं ना, वो बिल्कुल सेम चीज होती है, जो हमारे साथ हुआ है, हमारे टीम के साथ, हमारे लोग, हमने देखा, वो सब कुछ आपको नहीं करने देना, वो गलतियां आपको नहीं करने देनी, वो सब कुछ आपको बताना है, वो सब कुछ आपको सिखाना है। ठीक है, पर्पज इंटर्नशिप का बेसिकली ये होता है, प्रैक्टिकल होता है।
ठीक हो गया, हमारी जो इंटर्नशिप होगी वो होलसेल प्लस आर्बिट्राज होगी। हम बिल्कुल, अगर आपको पता है कि एसिन क्या है, पीएसआर क्या है, रेटिंग रिव्यूज, लाइक आपको बेसिक पता है, यू आर गुड टू गो, आप लोग जा सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। एंड मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप लोग आज इस लेक्चर को अटेंड करें, लेक्चर आप लोग सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप बाकी तमाम लोगों से डिफरेंट तो है। अगर आपने अप्लाई किया, आप सिलेक्ट हो गए, यहाँ तक आ गए, तो आपके अंदर पोटेंशियल तो है, ठीक है। अब इस पोटेंशियल को मेंटेन रखना है, रिटेन रखना है, इसको लेकर चलना है, किस तरीके से आप लेकर चलेंगे, कितनी मेहनत करेंगे, वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ जो है वो आपके साथ ग्रुप में शेयर की जाएगी, ठीक है। आपने अब क्या करना है, किस तरीके से करना है, स्लाइड्स हो गए, लेक्चर्स हो गए, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स हो गए, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, सब कुछ आपके साथ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और अब अगर आप लोगों के माइंड में एक सवाल, जो कि शायद अगेन हमारे से तकरीबन सभी लोग करते हैं और आप लोगों के माइंड में भी आ रहा होगा कि हमारा पर्पस क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें इससे क्या फायदा है, लाइक इतना सब कुछ अगर हम आपको दे रहे हैं तो इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। तो इसके लिए एक छोटी सी कहानी है, मुख्तसर सी कर दूंगा, क्योंकि वैसे मैं हमेशा सुनाता हूँ, और अगेन मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ कि मैं हमेशा सुनाता भी रहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग सुने, और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि ये कहानी आप में से बहुत सालों की कहानी बन जाए, मेरी तो ये दुआ भी है, मेरी ये ख्वाहिश भी है। सो कहानी इस तरह है कि 2019 में मैंने स्टार्ट किया, प्राइवेट लेवल से स्टार्ट किया, ठीक है। मुझे वो वक्त नहीं भूलता, वो जून जुलाई का महीना था, गर्मी शदीद होती थी, ठीक है। और हमारे हमारा बैच स्टार्ट हुआ तो मैंने भी उसमें लिया, उसमें मैंने मैंने 44,000 उनको पे किया, ठीक है। उसके अलावा जो आने जाने का एक्सपेंस हो गया, लैपटॉप वगैरह बाइक ऐसे काम के लिए सब कुछ किया कि जी हमने करना है, सीखना है, बहुत सारी उम्मीदें लेकर, बहुत सारे ख्वाब लेकर कि अपने फैमिली को सपोर्ट करेंगे, और अच्छा लगेगा कि अपनी अपना घर का वो खर्चा बटा रहे हैं, वो तमाम चीज़ होते हैं ना कि हमारा भी शेयर जा रहा है कुछ ना कुछ, हम भी किसी काबिल होगा बनकर दिखाना है ना, बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे होते हैं जब आप इस फील्ड में होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके माइंड में कि ये सब कुछ मैंने करना है। आप में से बहुत सारी हाउस वाइफ होंगी, बच्चे भी होंगे, शोहर भी हैं, सबकी ख्वाहिश होती है कि मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, वो तमाम चीज़ें होती है ना। सो बींग अ बॉय मेरे ख्याल में ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा एक बर्डन होता है सर पर कि कुछ ना कुछ करके दिखाना है, ठीक है। एक लड़के से, ठीक है, एक मर्द से ज़्यादा उम्मीदें भी होती हैं हर किसी को, तो वही तमाम चीज़ें थी वो हम लेकर गए वहाँ पर करना स्टार्ट किया। अब उन लोगों ने हमारे साथ किया कि देखें हम तो बिल्कुल न्यू भी थे, बिल्कुल नए लोग थे, जितना टीचर ने बता दिया हमारे तो शायद वही सब कुछ होता है। अब उन्होंने तकरीबन 1.5-2 महीने हमसे हंटिंग करवाई, क्राइटेरिया बता दिया, हंटिंग करवाते रहे करवाते रहे, ठीक है। उसके बाद 1-2 लेक्चर उन्होंने होलसेल के रखे, ऊपर ऊपर की बात बताकर अगले मैंने कहा कि ये सर्टिफिकेट है और आपने कोर्स कर लिया, अब आप लोग जा सकते हैं, क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट करो, अपना जर्नी स्टार्ट कर दो। अब जब हम लोग मार्केट में आए तो पता चला कि जी, मतलब जब क्लाइंट हमसे सवाल करता था, वो हमसे डेप्थ वाली बातें पूछ रहा है कि आप कितना प्रॉफिट निकाल कर दोगे, आरओआई कितना दोगे, कितना लॉस हो सकता है, क्या चांसेस हो सकते हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किस तरह कर सकते हो, क्या आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। सबसे सबसे पहला सवाल उनका ये होता था कि जी आपने क्या काम किया हुआ है। अब हम कहते हैं कि नहीं हमने नहीं किया हुआ, हम सच बोलते थे कि नहीं हमने तो नहीं किया हुआ, भाई क्यों किसी की इन्वेस्टमेंट को डुबाएं। तो उनका अगला जवाब ये आता कि फिर छोड़ो, फिर हम आपके साथ में काम करें, अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप लोगों का तजर्बा ही नहीं है, तो हम इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको किस तरह दे सकते हैं, समझे ना। अब वो अपनी जगह पर ठीक है, देखा ना, एक बंदा 30-40 लाख प्राइवेट लेवल हमने किया था, आप पूरे प्राइवेट लेवल कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, वो बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट हमारे सर पर क्यों लगाएगा एक न्यूबी के, ठीक है। अब हम अपने मेंटोर के पास गए, अपने सीनियर्स के पास गए, कहते वो लोग हमसे ये डिमांड कर रहे हैं कि आप प्रैक्टिकल करके आओ, आपके पास कोई तजर्बा होगा तो हम आपको रखेंगे। तो उनकी तरफ से कोरा जवाब था कि जी बस जितना सिखा दिया इतना ही होता है, अब बाकी आपने खुद करना है, कोई हैंड्स ऑन नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस जितना बता दिया सब कुछ है, बाकी आपको आप सवाल जवाब कर सकते हो फेसबुक पर जाकर या बाकी वीडियोस वगैरह देख लो, बस इसी से इतना होगा, ये जितना होना था इतना हो गया। तो फिर यही था कि अपने एंड पर रिसर्च करते रहे, ठीक है, बड़ी कोशिश की कि किस तरह किसी के साथ जुड़ जाए कर लें, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त चल रहा होता है ना तो कोई भी आपके साथ होता नहीं है, ठीक है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, दुनिया ऐसी ही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप परेशान हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, उदास हैं, दिन कैसा गुजर रहा है, अच्छा गुजर रहा है, नहीं गुजर रहा है, घर के हालात क्या है, आपके लिए कोई चीज़ कितनी इंपॉर्टेंस रखती है, किसी को इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है, जो भी करना अपना अकेले करना होता है। लेकिन वो कहता ना कि एक चीज़ ये भी है कि अगर अल्लाह ताला एक दर बंद करता है ना तो 100 दर खोल भी देता है। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, एक टीचर थे, एक मेंटोर थे, और उन्होंने इस तरह की एक कोर्स लगा रखी थी कि जी फ्री कोर्स आप लोग करें हमारे पास है, और फ्री इंटर्नशिप के लिए दोनों चीज़ें थी। हमने वहाँ पर अप्लाई किया, ठीक है, वो समझ लें कि दिल तो छोड़ ही चुके थे, हिम्मत तो हार ही चुके थे, 7-8 महीना कम टाइम नहीं होता, ठीक है, और जाहिर है सभी लोग पूछ भी रहे होते हैं, सभी कर रहे होते हैं, किसी को जवाब देना पड़ता है, फिर आपकी अपनी हिम्मत टूट जाती है। तो हमने कहा चलो आखिरी दफ़ा यहाँ पर जाते हैं,
एंड वहां पर उन्होंने होलसेल प्लस हमें वो करवाया आर्बिट्राज एंड 100% प्रैक्टिकल करवाया, अकाउंट्स के ऊपर काम करवाया वहां पर सर ने। वहीं पर ही उसी के दौरान मुझे क्लाइंट मिला और वो तमाम चीजें हुई। तो मेरे साथ दो तीन लोग और भी थे, मैम निदा हो गई, बाकी लोग हो गए, ठीक है हम लोग उसी वक्त से साथ ही हैं। तो हम लोग उसी वक्त हमारा क्लाइंट भी मिल गया था, वो तमाम चीजें हो गई थी, सेट हो गया सब कुछ। अब हमारे जहन में चीज आती थी कि सर ये क्यों कर रहे हैं, लाइक इन लोगों ने इतना बड़ा सेटअप बना रखा है, फ्री में करवाते हैं, आखिर इनका पर्पज क्या है। तो जब हमारा आखिरी लेक्चर था ना, तो सर ने हमारे से कहा, देखो बेटा आप में से ना बहुत सारे लोगों की कहानी ये है कि बहुत सारे लोग बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे होंगे, ठीक है, और ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये तकरीबन सबकी है जो यहाँ पर आते हैं। मेरे साथ भी हुआ, और मैंने ये सोचा था कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मैं फ्री में सिखाऊंगा। आज आप लोग यहाँ पर हो, आप लोगों ने सीखा है, हमें से बहुत सारे लोग कामयाब हो चुके हैं, बहुत सारे लोग कामयाब होने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझसे सिर्फ एक वादा ये करना है, जो चीज़ मुझे आपसे चाहिए वो सिर्फ ये है कि मुझसे वादा ये करो कि ये काम रुकना नहीं चाहिए, ये चैन टूटनी नहीं चाहिए, ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। आज अगर आप मुझे दुआएं दे रहे हो ना, तो कल को कोई आपको दुआएं दे, फिर आपने उनको समझाना है कि आप लोग आगे ये काम करते रहो ताकि आपको दुआएं मिले, ये चैन बस टूटे ना, सिलसिला रुके ना। अगर आपकी वजह से किसी एक की भी जिंदगी बदल जाती है ना, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वो सदका जारी होगा, हमेशा हमेशा के लिए आपको काम आएगा। आपके पास नॉलेज है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपको बताने में शायद 2 मिनट लगेंगे, लेकिन वो जो 2 मिनट की बात है, हो सकता है कोई बंदा उसके लिए 15-20 दिन से रिसर्च कर रहा हो सकता है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही हो, ठीक है। तो मुझे आपसे क्या चाहिए, हमें आपसे क्या चाहिए, सिर्फ ये वादा चाहिए आप लोगों से, और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपसे वादा चाहिए कि अगर आप लोग कामयाब हो जाते हैं तो आप लोगों ने हमसे ये वादा करना है कि आप आगे इस सिलसिले को जारी रखेंगे, ये चैन नहीं टूटनी चाहिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपने सबको सिखाना है, सबको सिखाना है, सिर्फ इतना चाहिए आपसे, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दे दिया, शायद हमारी हमारी हैसियत से बढ़कर हमें नवाज दिया है, ठीक है। सिर्फ आपसे अगर कुछ चाहिए तो वो यही है, मुझे ऐसा लगता है कि दुआओं से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, बिलीव में दुआओं से बढ़कर कुछ नहीं होता, जब कोई दिल से दुआ देता है ना उसी से बढ़कर। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप कभी इस मकाम पर पहुंचे और आप इस चीज़ को फील करें कि जब किसी के दिल से दुआ निकलती है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम कहीं हैं, आप लोग कहीं हैं, ठीक है, लेकिन आप में से अगर किसी को शायद हमारा काम पसंद आ जाए तो वो दुआएं करें हमारे लिए, हमें याद रखे, तो मेरे ख्याल में तो इससे बड़ी अचीवमेंट कोई हो ही नहीं सकती कि कोई आपको अपनी दुआओं में याद रख रहा है। आज के दौर में जहाँ पर लोग से शायद बगैर वजह के या बगैर किसी गर्ज के आपका सलाम भी नहीं करते, सलाम का जवाब भी नहीं देते, वहाँ पर अगर कोई आपको अपनी दुआओं में याद रख रहा है तो उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है, ठीक है। तो आप लोगों से सिर्फ ये चाहिए, ये जो काज है हमारा, ये जो स्टार्ट करने का पर्पज़ है, एक यूवर्स बनाने का पर्पज़ है, वो सिर्फ यही है कि ये सिलसिला हमने जारी रखना है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, जहाँ तक पहुँचा सकते हैं चीज़ों को पहुँचाएं, जिस जिसका रास्ता बना सकते हैं रास्ता बनाएं, जिस जिसका भला कर सकते हैं भला करें, अल्लाह की राह में करें, किसी कुछ भी नियत के साथ कर लें, लेकिन बस करना है, कभी किसी से पैसा नहीं मांगना, ठीक हो गया। बाकी चीज़ ये है कि इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो ताल्लुक है ये हमेशा रहेगा, हमारी सपोर्ट जितना हम कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं आपके लिए करेंगे, ठीक है। फेसबुक ग्रुप बनाया गया है, 24 आवर्स के अंदर आपको जवाब मिलेगा जो भी आप पूछेंगे, Q&A सेशन होता है हर लेक्चर के बाद, जो है वो ग्रुप ओपन किया जाता है, ठीक है, उसमें आप सवाल जवाब कर सकते हैं। लेक्चर के एंड में जो है वो Q&A सेशन हमारा होता है, जिसमें आप लाइव जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं, ठीक है, वो तमाम चीज़ें होती हैं। तो इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए जाते हैं कंपनी के, जो प्रैक्टिकल के लिए ज़रूरी है, ठीक है, वो तमाम चीज़ें स्केड्यूल आपके साथ शेयर हो जाएगा, PDFs आपके साथ शेयर हो जाएंगे, मतलब जो जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। बाकी फिर अब आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, आपकी कंसिस्टेंसी है, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर दूँ कि कामयाबी जो है वो सिर्फ कंसिस्टेंसी का नाम है, कितनी देर तक आप इस फील्ड में लगे रहते हैं इंशाल्लाह आउटकम अच्छा आएगा, ठीक है। अपने ऊपर भी यकीन रखें, अल्लाह ताला के ऊपर भी यकीन रखें कि मेहनत इससे तो जाए नहीं जाएगी ना, खुदा सब कुछ देख रहा है, कोई देखे ना देखे अल्लाह ताला तो है ना, वो आपकी मेहनत को, वो आपकी नियत को देख रहा है, और अच्छी नियत के साथ करेंगे, ये सोच कर करेंगे कि बाकी से कोई भला करने सीखने के बाद करने के बाद तो उसका रिवॉर्ड आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। सब कुछ आपके साथ शेयर होगा इंशाल्लाह, ये लेक्चर जो है वो मैम निदा आपके साथ शायद कंटिन्यू करेंगी, और यही है कि आप लोग कंसिस्टेंट रहें और लेक्चर्स लाजमी अटेंड किया करें, ठीक है, लाजमी अटेंड करें, प्रैक्टिकल लाजमी करें, प्रैक्टिस लाजमी करें, प्रैक्टिकल आपको इंशाल्लाह करवाया जाएगा,
स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे, ये कंसिडर करेंगे जो लोग न्यू बीज हैं वो भी इसमें शामिल हैं, कुछ लोग शायद एडवांस लेवल पर होंगे, लेकिन सबको हम एक साथ ही लेकर चलेंगे ठीक है। और 1.5 मंथ तक की तकरीबन इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल रखा है चीज़ को, लाइक वही तो ना कि थ्योरी आपको स्लाइड्स पढ़ाई जा रही है, क्राइटेरिया वगैरह तो आपको आता ही होगा, वो भी थोड़ा बहुत बेसिक में बताया जाता है स्टार्ट में, उसके बाद फिर फौरन से हम हैंड जोन की तरफ आ जाते हैं ठीक है, ताकि जब आप यहाँ से निकलें। इसके अलावा क्लाइंट हंटिंग के ऊपर जो है वो इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर होता है, ठीक है। मैंने अगर मैं अपने बात करूँ तो क्लाइंट जो मैंने हंट किया था वो फेसबुक से किया था, जितने मेरे पास अभी तक क्लाइंट्स हैं, एक यूएसए का है, दुबई का है, जहाँ से भी आते हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज आ रही होती हैं ठीक है, वो तमाम चीज़ें हैं। और ये भी है आखिर में कि इसमें ये तो कोई वादा नहीं कर सकता मैं ठीक है, कि मैं आपको कोई जॉब वगैरह हम आपको ऑफर करेंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप में से जो बंदा हार्ड वर्क करेगा ठीक है, जिसका हमें नज़र आ रहा होता है कि यार ये वाकई पोटेंशियल भी है इनके अंदर, ये लोग करना चाहते हैं, तो हमारे पास भी क्लाइंट आ रहे होते हैं ठीक है, क्लाइंट आ रहे होते हैं, हम उनको फिर क्या करते हैं आगे रेफर कर देते हैं। अब तक बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो हमारे कोलीग्स हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि आप एक हफ्ते क्लाइंट ले सकते हैं, काम भी तो करके देना होता है ना, तो फिर हम उनको क्या करते हैं रेफर कर रहे होते हैं। तो जो आप में से लोग कंसिस्टेंट रहेंगे, जो आप में से लोग काम करेंगे परफॉर्म करेंगे, फिर जब क्लाइंट आएगा तो वो हम आपको भी दे दिया करेंगे ठीक है। और इसके अलावा ये होता है कि इसके अलावा भी दो तीन तरीके मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, साथ साथ हम आपको बताएंगे किसी के साथ आप लोग अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर फ्यूचर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस जर्नी, उम्मीद है कि इस सफर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इख्तिताम जो है वो अच्छा ही होगा ठीक है। किसी से कोई शिकवा करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम करते जाएं ठीक है, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएं, रोशनी करते जाएं, और बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।